हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, एक्सरसाइज 8.4। इसके दो क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवेल्यूएट मीन्स जो यहाँ पर दी हुई है। देखिए, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन नोट करे हैं, हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसे फर्स्ट ऑप्शन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो देखिए, हमने इसको 90 माइनस थीटा में लेके आना है। किसमें? 90 माइनस थीटा में। कैसे करेंगे? देखिए, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, देखिए 63 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 27 माइनस कर देंगे, और इसका स्क्वायर, ओके, प्लस इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर 27। ओके, नीचे अब हम इसको 90 माइनस थीटा में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस 73 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस कोस स्क्वायर 73। ओके, अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। ओके, अब देखिए, ये आ गया कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर ही हमने लिया है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, एंड कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1, देन इसकी वैल्यू 1 आ गई, और ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, देखिए, सेकंड ऑप्शन है साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। अब देखिए, इससे भी हमने 90 माइनस थीटा के रूप में ला करके सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, ये साइन 25 कोस को 90 माइनस थीटा में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस 25, ओके, प्लस कोस को ऐसे ही रहने देंगे, और इसके बाद साइन 65 को 90 माइनस थीटा में करेंगे, तो देखिए कैसे हो जाएगा, साइन 90 माइनस 25। ओके, अब देखिए, साइन 25 इंटू कोस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, दैट साइन 25, ओके, प्लस कोस 25 एंड साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कोस 25। ओके, तो करेंगे साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कोस थीटा, ओके, और कॉस
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो देखिए अब क्या हुआ, साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस 25 देन कोस स्क्वायर 25। ओके, और देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे, तो आप फॉर्मूले में देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इजकल प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, देन साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 इजकल टू 1, दैट इज सोल्व। दोनों ऑप्शन सोल्व हो गए, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें सेव कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन 4, इसके भी दो ऑप्शन मैंने लिए हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, बट ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे हम फैक्टर्स में करते थे, यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, दोनों तरफ 9 कॉमन है, क्या है 9, अंदर बचता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1। ओके, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 1, 9 इंटू 1 इजकल टू 9, इट्स आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस देखिए tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, मीन tan थीटा इज इक्वल क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस cot थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले मैं पहले आपको लिखवा चुका हूँ, जैसे tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, sec थीटा इजकल टू 1 अपॉन कोस थीटा, cot थीटा इजकल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड cosec थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये पहले भी मैंने आपको फॉर्मूले नोट कराए थे। ओके, चलिए अब देखिए ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, इसके अपॉन 1 कर दीजिए और इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लेते हैं हम कोस थीटा। ओके, 1 से कोस थीटा को डिवाइड करेंगे, कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे देन कोस थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा को डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, कोस थीटा से कोस थीटा को डिवाइड करेंगे 1, 1 वन जा 1। ओके, नेक्स्ट अब देखिए सेम इसी तरह से हम इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, 1 से साइन थीटा को डिवाइड करें साइन थीटा और साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई देन साइन थीटा, साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 देन प्लस कोस थीटा एंड माइनस 1। ओके, अब देखिए दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा देन साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके,
एंड वन वन जा वन मीन्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। किससे? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, देन साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए प्लस बी के स्क्वायर से खोल दीजिए, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड माइनस वन अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। क्या करेंगे इसकी जगह कोस कितने क्या वैल्यू रख देंगे? वन, देन क्या हो जाएगा? वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस वन अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए माइनस वन प्लस वन, ओके क्या बचता है? टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा खत्म, कोस थीटा से कोस थीटा, देन इज इक्वल टू टू। ये इसकी वैल्यू निकल के सामने आ गई, ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। देखिए सबसे पहले हमें टेन थीटा सेक थीटा इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, बस हमने इनकी वैल्यू को पुट करना है और इनको इनका कैलकुलेशन कर देनी है और आंसर आपका आ जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें सेव कर लीजिए।